हाय दोस्तों, सेल्फ गेन चैनल में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नेट बैंकिंग के जरिए स्टेटमेंट जो है आप निकाल सकते हैं। ये वीडियो बनाने का खास मकसद ये है क्योंकि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी वेबसाइट को अपडेट किया है, जिसके कारण से जो बहुत सारे यूनियन बैंक के कस्टमर को जो परेशानी आ रही है कि वो जो है बहुत सारे ऑप्शन को इधर उधर चेंज कर दिए, जिसके कारण से बहुत सारे ऑप्शन जो आपको इधर उधर मिल जाएंगे ढूंढने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। जैसे कि मुझे भी खुद परेशानी आज भी, क्योंकि मैं बहुत टाइम से ये अकाउंट यूज नहीं कर रहा था, आज मुझे ज़रूरत पड़ी और जो चीज़ मैं ढूंढना चाह रहा था वो चीज़ मुझे मिल नहीं रहा था। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस पर एक वीडियो ही बना दिया है, जिससे आप लोगों को भी पता चल पाए। स्टेटमेंट के बहुत सारे काम होते हैं, आगे मैं वीडियो आपको बताऊंगा खास करके मुझे वीडियो क्यों बनाना पड़ा, क्यों मैं स्टेटमेंट ढूंढ रहा हूँ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं किस तरीके से स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं चलिए लॉगिन कर लेता हूँ अकाउंट को। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है चेंज कर दी गई। आइडेंटिफाई स्मॉलेस्ट वैल्यू, ओके 20, लॉगिन, आई कंफर्म, पासवर्ड, लॉगिन। तो आप यहाँ पे देखेंगे पहले यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो वेबसाइट था बहुत ही अलग तरीके से दिखता था और बहुत मतलब सिंपल बिल्कुल इंटरफेस था, आप जो इजीली उसको यूज कर सकते थे। लेकिन अब जो बहुत हार्ड टाइप में लग रहा है, यूज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया। तो चलिए, ट्रांजेक्शन निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, डैशबोर्ड के बगल में अकाउंट है, अकाउंट के बगल में यहाँ पे ऑप्शन दिया गया बैलेंस ट्रांजेक्शन इन्फो, ठीक है। इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो अकाउंट समरी का ऑप्शन आता है इसमें। अब अकाउंट समरी पे हम क्लिक करेंगे, ओके, तो यहाँ से जा करके स्टेटमेंट हम निकाल सकते हैं। अब स्टेटमेंट अगर यहाँ पे निकालना है तो स्टेटमेंट के लिए जब हम इस पर क्लिक करेंगे, अकाउंट नंबर पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे जो पूरी डिटेल हमारी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद नीचे ऑप्शन दिया गया व्यू स्टेटमेंट। बहुत सारे प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है, बहुत सारे चेंजेस कर दिए गए, तो हमें व्यू स्टेटमेंट पे क्लिक करना है। तो यहाँ से हमें ड्यूरेशन पूछा जाएगा कब से कब का आपको चाहिए, तो आप यहाँ से डेट सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर डेट यहाँ से मंथ वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं, लास्ट 2 मंथ, लास्ट 1 मंथ, 7 डेज। तो मैं फिलहाल के लिए लास्ट 2 मंथ कर लेता हूँ, ऐसे तो मैंने यूज़ नहीं किया। फिलहाल के लिए मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सर्च पे हमें क्लिक कर देना है, चलिए ओके। तो मैंने सर्च पे क्लिक कर दिया, तो नेक्स्ट 2 मंथ में जो यहाँ पे कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं की गई है, सिर्फ और सिर्फ जो 15 रुपये 39 पैसे डिडक्ट हुए हैं जो कि SMS का चार्ज है, और 13 रुपये के आसपास क्रेडिट किया गया जो कि इंटरेस्ट है, ठीक है। आप यहाँ पे ज़्यादा ड्यूरेशन अगर दे देंगे तो आपके पास बहुत सारी स्टेटमेंट आ जाएगी, अगर आप कंटिन्यू यूज़ करते हैं अकाउंट। तो इसका आने वाला वीडियो जो है मैं आपको ट्रांजेक्शन पासवर्ड के बताऊंगा कि किस तरीके से हम ट्रांजेक्शन पासवर्ड को जो है फॉरगेट कर सकते हैं या फिर हम सेट कर सकते हैं। आई होप कि ये छोटी सी वीडियो के लिए छोटी सी जानकारी आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक तो ज़रूर कीजिएगा ही, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।